राजेंद्र राठौड़ ने सूर्यकांता व्यास के बयान पर कहा कि वे हमारी वरिष्ठ नेता हैं। उनके बयान को अलग तरह से पेश किया जा रहा है। कई बार किसी निर्वाचन क्षेत्र में काम होने पर तारीफ भी कर दी जाती है। गोविंद सिंह डोटासरा पर भी राठौड़ ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे 3 बार चुनाव जीतकर तुर्रम खाप बने घूमते हैं। मैं 7 बार चुनाव जीतकर भी कार्यकर्ता हूँ। डोटासरा जी मेरे मित्र हैं, लेकिन वो बड़े नेता हैं और मैं छोटा नेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, उनके व्यक्तिगत पर विचार हो सकते हैं। उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कही, उसको तोड़ मरोड़ करके मीडिया में प्रस्तुत किया गया। सूर्यकांता व्यास जी हमारी सीनियर मोस्ट विधायिका है, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता है, और मैं नहीं समझता कि इससे कोई विक्रय की बात हो। देखिए, जिस भाव से उन्होंने, जिस कंटेस्ट से उन्होंने कहा, कई बार अगर सरकारें कोई अच्छा काम किसी के निर्वाचन क्षेत्र में कर देती हैं, दूसरे के लिए कहता है ये काम अच्छा हुआ, उसको ये कर, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा कर दी। जी सर, भाजपा पहली बार राजस्थान में, ये हमारे पास सब, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता का चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो 5 साल काम करती है, संगठनात्मक भी करती है और सामाजिक तौर पर भी करती है। अभी कोविड के अंदर आपने देखा होगा, सामाजिक सरोकारिता के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जगह जगह खड़ा रहा। हम कांग्रेस की तरह नहीं है, जिनके पास आज भी कांग्रेस की डीसीसी और कांग्रेस की ब्लॉक के अध्यक्ष तक गठित नहीं है। उनका थैले में हमारा संगठन नहीं चलता, इसलिए हम संगठन हमारा चुनाव लड़ता है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ते। और संगठन चुनाव लड़ेगा तो संगठन का ही तय करेगा कब किस समय उनको क्या लड़नी। और अब बात करप्शन पर। एसीबी